जय हिंद दोस्तों। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जितने भी लाभुक हैं जो प्रथम किस्त प्राप्त कर लिए हैं उनको जो है आवेदन पत्र देना पड़ रहा है दूसरे किस्त के लिए। ये आवेदन जो है पीडीएफ फॉर्म में आ रहा है, इसको आप प्रिंट आउट करके खुद से भरकर और जो है अपने जिला उद्योग केंद्र में सबमिट करना है। तो ये फॉर्म को जो है कैसे आपको फिलअप करना है और आपको ये पीडीएफ कहां से फॉर्म मिलेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखिए ये जो फॉर्म है ये एप्लीकेशन फॉर्म है, जो प्रथम किस्त जिनको मिला है उनको द्वितीय किस्त के लिए ये भरना पड़ रहा है। अभी जो आपको किस्त मिलेगा ये तीन किस्तों में अब जो है आपको मिलेगा, पहले 4 लाख मिलेगा, फिर 4 लाख और फिर 2 लाख, यानी जो पहले था वो 4 और 6 मिलना था लेकिन अब जो है इसको 3 बार में कर दिया गया है, आपको 4, 4 और 2 मिलेगा। ठीक है, तो आपको कैसे ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना है समझ लीजिए। सबसे पहले देखिएगा तो यहाँ जो लिखा गया है सेवा में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, देखिए यहाँ जो लिखा गया है छपरा सारण लिखा है, तो आपका जो भी ज़िला है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ देखिए विषय है मुख्यमंत्री, आप युवा से हैं तो यहाँ युवा भरिएगा, अगर आप महिला हैं तो महिला भरिएगा, EBC हैं, जो भी कैटेगरी से आप उद्यमी हैं वो आप यहाँ भर लीजिएगा। उसके बाद है महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुझे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आवेदन संख्या CM, यहाँ जो भी आपका आवेदन संख्या पूरा भर लेना है, कि अंतर्गत प्रथम किस्त के रूप में राशि 4 लाख रुपये दिनांक, यानी 4 लाख रुपया जो है आपका किस तारीख को जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ वो डेट यहाँ लिख देना है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है बताया जा रहा है कि प्राप्त हुआ है, उक्त राशि में मैंने परियोजना के अनुसार कुल, यानी आपने कितना खर्च किया है मशीन में। ठीक है, यहाँ जो है मशीन का आपका लिखना है, अगर आपका 3 लाख का मशीन खरीदे हैं तो 3 लाख जितने भी खरीदे हैं यहाँ लिख देना है, एवं जो आपने शेड, अगर शेड आपने बनवाया है अगर 1 लाख रुपया उसमें खर्च किया है तो आपको 1 लाख भरना है, अगर आपने नहीं किया है आपका शेड पहले से था तो आपको जो है यहाँ 0 लिख देना है। तो अगर आपने शेड निर्माण में 1 लाख रुपया खर्च किया है तो यहाँ 1 लाख जो है आपको दे देना है, अगर नहीं किए हैं तो 0 0 जो है आपको यहाँ दिखा देना है। ठीक है, उसके बाद शेष राशि जो आपके बैंक अकाउंट में, अगर आपके बैंक अकाउंट में पूरे 4 लाख आप खर्च कर दिए हैं तो यहाँ आप 0 0 भर सकते हैं। ठीक है, और उसका जो है छाया प्रति लगाना है, तो इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको लगाना है, देखिए यहाँ जो है अनुलग्नक के रूप में दिया गया है, फॉर्म के नाम से मशीन का मूल GST बिल, यानी जो आपने मशीन खरीदा है उसका GST बिल यहाँ लगाना है, उसके बाद चालू बैंक खाता स्टेटमेंट, यहाँ जो है बैंक आपका स्टेटमेंट देना है, अगर आपको स्टेटमेंट नहीं है तो आपने जो पासबुक छपवाया है उसका भी जो है इसमें जीरोक्स लगा सकते हैं, उसके बाद जो है शेड निर्माण से संबंधित बिल। ठीक है, तो अगर आपने शेड निर्माण कराया है तो ये बिल दीजिएगा, अगर नहीं कराया है तो आप नहीं दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ जो है आपका नाम होगा, और आपका नाम, पिता का नाम, पता और प्रखंड, आवेदन संख्या, मोबाइल नंबर, परियोजना और दिनांक लिखकर जो है इसमें बैंक का जो है आपका चालान लगाकर और अकाउंट का जो है और उसके बाद मशीन का जो है GST बिल होना चाहिए लगाकर आप जो है इसको फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो ये छोटी सी अपडेट थी, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली। ये PDF जो है आपको कहाँ से मिलेगा ये भी आप जान लीजिए, ये PDF लेने के लिए आपको हमारे चैनल का जो अबाउट सेक्शन है यहाँ देख सकते हैं, अबाउट में जाइएगा तो यहाँ आपको WhatsApp नंबर मिलेगा, आप इस WhatsApp पर अप्लीकेशन फॉर्म लिख कर सेंड कीजिएगा तो आपको PDF ये भेज दिया जाएगा। तो ये छोटी सी अपडेट थी, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।